रसोई में आज की हमारी रेसिपी है कचौरी। मैं हूँ सीमा सोनी, मेरे साथ हैं शेफ अंजना जोशी और शेफ गौरव। तो हम कचौरी बनाने की शुरुआत करें। बिल्कुल जी। तो लीजिए, कचौरी बनाने से पहले हम इसका डोल रेडी करेंगे। सिंपल मैदा है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 5 ग्राम का हमने बेकिंग पाउडर डाला है और इसे नॉर्मल आटे की तरह गूंदा हुआ और इसे रेस्ट के लिए छोड़ा। तो इसका हो रहा है रेस्ट। बिल्कुल। तब तक अब हम क्या करेंगे, कचौरी है तो बीच में स्टफिंग तो जाएगी दाल की, तो स्टफिंग रेडी करते हैं। स्टफिंग के लिए हाँ, सबसे पहले बता दूँ ये उड़द दाल है, धुली हुई उड़द, इसको हमने 2 से 2.5 घंटे से सोक करके रखा है। ये हम बनाने जो जा रहे हैं ट्रेडिशनल कचौड़ी बनाएंगे, एकदम ट्रेडिशनल जैसा आप लोग खाते हैं बीकानेर वाला पे या हल्दीराम पे, वैसा एक रेसिपी है। और साथ साथ में आपको दिल्ली के चांदनी चौक की भी बहुत याद आएगी। तो आज कुछ खास कचौड़ी बनने वाली है, चलेंगे चांदनी चौक। चांदनी चौक की कचौड़ी मशहूर, बहुत फेमस है। मैं पहले थोड़ा सा घी डाला, उसको गरम किया। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा सौंफ, 1/2 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और अब हम डालेंगे इसमें आपकी सोखी हुई दाल जो हमने भिगो के रखी थी। सॉल्ट, धनिया पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स या रेड चिली बढ़ा सकते हैं आप, थोड़ा सा करारा करने के लिए मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए हैं और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मिर्च। मतलब इसमें फ्लेवर देने के लिए आप उड़द दाल तो ट्रेडिशनल उसके अंदर हो गया, आप चने की दाल भी डाल सकते हैं और चने की दाल का फ्लेवर ही कुछ और आएगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा। बहुत अच्छा। इसमें आप काजू भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बारीक काट के कटा हुआ काजू, आपकी मर्जी है आपका टेस्ट। इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे हम, थोड़ा सा दाल पकने तक। अच्छा, दाल क्रंची हो, कच्चा ना हो। तो लीजिए, मसाला हो गया है तैयार। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है तो हम उधर को जा रहे हैं, समझ जाओ कि अगला काम क्या है। जब तक स्टफिंग करेंगे तब तक हम तेल रख लेते हैं गरम करने के लिए। देखिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए हमारे पास ट्रेंड है सभी, तो शुरू हो गए। तो आज तो सीमा जी भी क्या बात है, आज तो क्या हर बार करते हैं काम, सारा काम तो उन्हीं से कराते हो आप। हाँ, ये तो है, नेकी कर कुएं में डाल, क्या होता है कढ़ाई में डाल। हाँ, जब कढ़ाई में डालने वाले। इतना काम तो मैंने कभी घर में नहीं किया होगा। सीमा जी, आप कैसे लगता है कि जब आप घर में कुकिंग करते हैं, नई नई चीजें बनती हैं, क्या रिस्पांस आता है? क्या बताऊँ बस सारा दिन आप ही का नाम जपते रहते हैं। क्या बताऊँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर, हर एक चीज महक रहा है। मतलब सौंफ की अलग से खुशबू आ रही है आपको, हल्दी की अलग से आ रही है, दाल की अलग से आ रही और है। और मेरे घर में ना सबको कचौरी पसंद होता है। क्या बात, तो मुझे आती नहीं थी, अब मुझे आ गई है। और कितना इजी है देखिए, अब मैं बनाऊंगी इसे। आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, आलू की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, चने के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस बार का संडे का जो नाश्ता है वो आप भी मेरी तरह यही बनाने वाले हैं। और जो भी संडे को कचौरी बनाएगा एक बार कमेंट में बताना ज़रूर।
और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मतलब दिवाली आने वाली है तो दिवाली से दो दिन पहले बनाइए और दिवाली खत्म होने तक भैया दूज तक इसको चला सकते हैं। क्या बात, और जो भी आए घर में आप ही के हाथ की चीज खाए और बस आप, और आप, नाम। आप जरूर बताएं कि आपने किससे सीखी। हाँ। सीमा सोनी से। क्या बात। गौरव अगर तेल गरम हो चुका है तो स्टार्ट हो जाओ बस अब आप। तो बिल्कुल लो जी, क्या बात है, क्या बात है, कितनी अच्छी बनाई हमने, क्या कचौरी है। अब इसे कहते हैं फ्राई। ऐसे ऐसे वाला एक दो दो तीन चार एक पाँच सात। इसे धीमी आंच पे पकाएं धीरे धीरे तो ये क्रिस्पी क्रंच क्रंच की आवाज़ें आएंगी। तो लीजिए धीरे धीरे ये फ्राई हो रही हैं धीमी आंच पे और ये देखिए कुछ फूलनी शुरू हो गई हैं। तो लीजिए कचौरी रेडी हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल खाएंगे। हमारी कचौरी तैयार हो चुकी है और हम खाने के लिए तैयार हैं, बेताब हैं। सिटी की रसोई में आज हमने सीखा है कचौरी बनाना। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हम अपने पेज सिटी की रसोई पे सिखाते रहते हैं। अगर आप भी कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे अपनी रेसिपी का नाम लिखिए। हमारे शेफ हाजिर हो जाएंगे वहाँ पे आपकी रेसिपी के साथ।